बैतूल विधानसभा के चुनावी सवर में इस बार तीन प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। यहां पर कोई अपने तरीके से मतदाता को लुभाने में लगा हुआ है। भाजपा ने निवर्तमान विधायक हेमंत खंडेलवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने उद्योगपति विनोद डागा के छोटे बेटे नीला डागा को अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा है। इधर तीसरे दावेदार के रूप में भाजपा की बागी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लता राजू मस्की इस पक्ष से टिकट पर चुनावी जंग लड़ रही है। अब देखना होगा कि तीनों में कौन जीत कर सीट पर कब्जा करता है। सिवा कुछ नहीं करा भाजपा ने। आप देखिए बीजेपी के नेता जितने हैं, जिनकी साइकिल में चलने की औकात नहीं थी, आज वो बुलेरो और स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते आपको लुहावने सपने दिखाते हैं चुनाव के वक्त और 5 साल गायब रहते हैं। हर क्षेत्र में मैंने भी अच्छा काम किया और हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की योजनाओं से लोग काफी खुश हैं। मुझे लगता है कि जैसा लोगों में जनता को भी हम समझाइश दे रहे हैं तो उन्हें भी जो बात तो सही है, जो मुद्दा है, जो सिटी वाला है या आर्थिक आधार पर आरक्षण वाला, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सही है और ये होना चाहिए।